भाभी जी पहले हमारे यहाँ भेज दो बच्चे। नहीं, हमारा एकदम रेडी है खाना, ये गैस पे खड़े हुए हैं, पूड़ी उतर रही है गरम गरम। आप पिछली बार भी ले गई थी, फिर आपने 2 घंटे में भेजे थे बच्चे। आ जा बेटा आ जा, हाँ इधर बैठ जा। बेटा हमारा एसी खराब है, टीवी का रिमोट खराब है बेटा। आप बेटा सोफे पे गंदे पैर लेके मत चढ़ो, अपने घर पे भी आप ऐसे करते हो? आप 4th फ्लोर से आए हो बेटा, आप तो 14-15 इयर्स की लग रही हो। एक काम करो, आप चले जाओ, अपने भाई को भेज दो। ओ, 3 बहन ही बहन हो, भाई नहीं है? लो बेटा बताओ, आपने तो 4 ग्लास रायता पी लिया, वो भी इतना गाढ़ा गाढ़ा, अब पूरी किसके पेट में खाओगे? आपने हलवा क्यों छोड़ दिया बेटा, कच्चा तो नहीं लग रहा है? देंगे बेटा, पैसे भी देंगे, आजकल तो कोई बच्चा खाने के लिए नहीं आता, सब पैसे के लिए आते हैं। 100 के खुले हैं किसी के पास? और हाँ ना बेटा, ये बिस्किट हमने आपके पापा की शॉप से ही लिए थे, 6 बच गए, उनको बता देना वापस करा देंगे। भाई जिसका भी हलवा चना बचा है मैं दे रही हूँ, दोनों में कर करके सब लेके जाएंगे। तुम बेटा पैर तो छुलवा लो। हाँ भाभी जी, हमने तो 10-10 रुपए और 1-1 बिस्किट का पैकेट दे दिया। अब भाई जैसी जिसकी गुंजाइश हो, किसी की होड़ थोड़ी है, देने वालियों ने तो 5-5 रुपए भी दिए। नहीं सही कह रही हो भाभी जी, कुछ लोगों में तो देने की नीयत ही नहीं होती।